हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल हेलो डॉक्टर एमबीडी में। दोस्तों, मैं आज बात करता हूँ टोबिसाल क्रीम की और लोशन की। टोबिसाल नाम से क्रीम भी आता है, लोशन भी आता है। दोस्तों, मैं इसकी कंपोजिशन की अगर बात करता हूँ तो इसमें का जो कंपोजिशन होता है वो क्लोबेटासोल 0.025% होता है और सैलिसिलिक एसिड 3% और 6% दोस्तों मार्केट में आता है। दोस्तों, इसकी क्रीम भी आती है और इसका लोशन भी आता है। दोस्तों, टोबिसाल नाम से क्रीम और लोशन दोनों आते हैं। दोस्तों, मैं बात करता हूँ इसके यूज़ की। इसका यूज़ जो किया जाता है स्किन पर होने वाले फंगल इन्फेक्शन पर, दांत खाद खुजली में, टांगों के बीच पसीना आने के बाद खुजली में, और दोस्तों पूरे स्किन पर, पूरे शरीर पर कहीं भी अगर आपको दांत वाद हो जाए, खुजली हो जाए, तो हाँ उसका रिजल्ट यानी टोबिसाल लोशन का और क्रीम का रिजल्ट बहुत बेहतरीन होता है। दोस्तों मैं बात करता हूँ इसके यूज़ की यानी इसका लगाने का तरीका क्या है। दोस्तों, आप इफेक्टेड एरिया पे सुबह शाम साबुन से धोने के बाद में लगा लीजिएगा। दोस्तों, साबुन भी ऐसा आपको यूज़ करना है जिसका साल्ट परमेथिन हो या फ्लूकोनाजोल हो या इट्राकोनाजोल हो, इस तरह से। ऐसा नहीं कि आप नंबर वन साबुन यूज़ कर रहे हो घर का, इसमें कास्टिक सोडा होता है, ऐसा साबुन यूज़ ना करें। दोस्तों, मैं बात करता हूँ उसकी कुछ कॉमन साइड इफेक्ट की। इसके जो कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं वो स्किन लाल हो जाती है, ड्राई भी हो जाती है और जलन भी होने लगती है। अगर इनमें से आपको ऐसा इन्फेक्शन, इसके स्किन पर कोई प्रॉब्लम दिखाई देती है, ऐसा साइड इफेक्ट दिखाई देता है, तो आप इस क्रीम का यूज ना करें। दोस्तों, आप इस क्रीम को या इस लोशन को या क्रीम को जो भी आप यूज़ करें वो आँख से, नाक से, कान से बचा करके ही लगाएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।